तो उसी पे आप वेबसाइट रन करो, अपनी वेबसाइट रन करो जोमेटो की, जोमेटो वाले भी ओपन कर लो और अपना में कितना किया वो देख लो। हाँ हेलो सर, जी बोलो। सर मोंगोडीबी का आप ठीक है, क्लास ले लोगे? मोंगो डीबी क्लास ले लो जी। कौन सा बैच चल रहा है? नहीं, ये तो वेब डिजाइनिंग चल रहा है। एक हाँ तो चलो, अब देखो इसके नीचे वाले पार्ट पे काम करते हैं। ये चार बॉक्स बन गए हैं। हाँ अब नीचे आओ, नीचे दिख रहे हैं ये देखो, पीपल लोकेशन इन एंड राउंड ग्वालियर है ना। इसमें आपको दिख रहे हैं चार पार्ट, तीन और तीन छह पार्ट दिख रहे हैं। इस पार्ट पे अपन बात करेंगे, ठीक है? चलो ये पार्ट बनाने वाले, नीचे वाला दिख रहा है छह बॉक्स। तो इसके लिए उसी सेक्शन में काम करेंगे जिस सेक्शन के अपन पहली थे, है ना? जिस सेक्शन के अंदर पहली से अपन काम कर रहे थे उसी में आके काम करेंगे। तो चलो नीचे आओ, इसी के नीचे आ जाओ। जो कहाँ गया सेक्शन, कहाँ गया लाइन नंबर 109 के नीचे से। 109 नहीं, ये कौन सा सेक्शन है? सेक्शन थर्ड के बाद आएंगे ना अपन, सेक्शन थर्ड हो चुका था। इसके नीचे आ जाओ। हाँ इसी के नीचे से, चलो इसी के नीचे से अपन काम स्टार्ट करते हैं। कमेंट लगा दो एड्रेस, कमेंट लिख दो एड्रेस, कमेंट लिखो एड्रेस, बंद कर दो। चलो अब इसके नीचे आ जाओ। अब लिखो यहाँ पे H1 में, H1 में, और वहां से वो कॉपी कर लो। तो लिखा है जी लाइन पूरी, ठीक है? यहाँ पेस्ट कर लो अपने में चल के। अब ग्वालियर को थोड़ा बोल्ड कर दो, ग्वालियर के आगे बीटेक लगा लो। बीटेक ग्वालियर को, ग्वालियर पे थोड़ा बीटेक लगा लो। ठीक है चलो अब इसी के नीचे आ जाओ, H1 के नीचे आ जाओ। हाँ H1 के नीचे आ जाओ। H1 के नीचे आकर जल्दी से एक डिप बना लो। डिप के अंदर क्लास सेक्शन 4 नाम की, डिप के अंदर क्लास सेक्शन 4, और उसके अंदर एक डिबा बना देना। इसके अंदर डिबा बना दो एक बॉक्स 4, बॉक्स नहीं 2 आएगा, 2 बॉक्स बन हो चुका ना, बॉक्स 2 आएगा, बॉक्स 2, ठीक है? और फिर इसके अंदर एक डिब ले लो, इसके अंदर एक डिब ले लो, डिब। और ऊपर वाला था ना, ऊपर वाले जे 106 वाला कोड उठाकर पेस्ट कर लो, 106 स्पेन वाला जी, पूरा अंदर का। हाँ हाँ ये उठा लो ना, स्पेन वाला अंदर डाल देना उसके डिब के अंदर। और जो आइकन है ना, आइकन इसको आइकन वाला सर कॉपी वीडियो करो। रिकॉर्ड करके डाल देना सर, मेरे उसमें चल नहीं रहा है कुछ भी। हाँ, जो आइकन कॉपी करो यहाँ से, आइकन कट कर लो यहाँ से, स्पेन के बाहर पेस्ट करना है इसको। आइकन को कट कर लो यहाँ से, कट, और स्पेन के नीचे, स्पेन के बाद यहाँ पेस्ट कर लो, सेव कर लो, ठीक है? ये कर लिया। अब एक काम करो, वही डिब को चार पेस्ट कर लो, पेस्ट कर लो। कितने बार करना है वो, 6 बार? कितने है वो, जितनी बार कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, जितनी बार तुम्हें पेस्ट कर लो सेम, 3 3 6 3 9 बार पेस्ट कर लो, 9 बार पेस्ट कर लो ढाके से, जितनी बार 9 बार करना है, 6 बार जितना मन करते हो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया पेस्ट? सर ये यहाँ से बॉक्स 2 वाले से करना है ना? हाँ, बॉक्स बॉक्स 2 वाली करना है, कर लो 9 बार 3। 9 बार कितने, 9 बार कर लो, बहुत है। चलो 9 बार हो गया ना, बॉक्स बंद कर लो सारे, तो इससे कोड छोटा हो जाएगा थोड़ा देखने में। हाँ ऐसे बंद कर लो, बंद कर, हाँ बंद कर लो, बंद कर लो, इससे कोड छोटा हो जाएगा थोड़ा, समझ में ले आएगा। बाकी लोग भी इसको भी बंद कर लो, इसको भी कर लो, ठीक है? 3 3 6 3 9, ठीक है? बाकी लोग भी इतना ली करें, बाकी लोग ये कर लो, थोड़ा फटाफट एक बॉक्स दिखा देना खोल के उनको, एक बॉक्स खोल दो।
अकेले एक बॉक्स खोल दो बस। जो माइक बंद कर लो, माइक कौन है इसका? माइक बंद कर लो। हो गया। लिख लिया इतना सामने? सर। चलो अब आगे देखो। सब लोग इतना कर लिया, सबका नोट हो गया, सेम है। अब थोड़ा अभी देखो क्या दिख रहा है। देखो चल के वेबसाइट देख, अपनी वाली पे, अपनी वाली पे, अपनी वाली पे। हाँ इसी पे नीचे आ जाओ। अभी देखो इस तरीके से आ रहा है, सबको दिख रहा है इस तरीके से आ रहा है ना? अब थोड़ा हमें इस पे थोड़ा काम करना पड़ेगा बस, ठीक है? चलो आ जाओ कोड में। चलते हैं सीएसएस पे और अब थोड़ा इन पे हम लोग काम कर लेते हैं। चलो अब आ जाओ। H1 पे काम करना है सबसे पहले। H1 पे तो H1 के अंदर एक क्लास लगा दो। H1 के अंदर क्लास लगा दो। H1 के अंदर एक क्लास लगा दो, कोई सी भी H1 ही लगा दो। H1 ही बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ बस चलो वहां पे, चलो वहां पे आ जाओ। देखो H1 सिंपल फॉन्ट साइज 35 पिक्सल, फॉन्ट साइज 35 पिक्सल, फिर फॉन्ट वेटेड वही जो लेके चल रहे अपन शुरू से ही, फॉन्ट वेटेड LIO है ना, ऊपर वाली है, ठीक है? फिर टेक्स अलाइन सेंटर में करना चाहो सेंटर में कर लो, नहीं तो राइट में, ठीक है? मार्जिन दे दो 50 पिक्सल, सेंटर में करना ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है साइड में, वैसे तो 50 पिक्सल। कलर दे दो RGB, कलर दे दो RGB, कलर RGB दे दो उसको मैं। 56 56 56 56 56 56 जिस चैट में डाल देना यार ये कोड, वो यस। HTML वाला। हाँ अभी 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 मिल जाएगा, अभी मिल जाएगा। चलो अब चेक करो क्या डिफरेंस आया, देखो क्या अंतर आया थोड़ा, ठीक है? ये हो गया, देखो गया था ना, दिख रहा है? सेंटर में करना सेंटर में कर लो, राइट में करना राइट में कर लो, आपकी जैसी इच्छा है, ठीक है? उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चलो बॉक्स पे काम करते हैं। तो चलो अब लिखो सेक्शन 4, सेक्शन 4 नाम की क्लास बनाओ। सेक्शन 4 है ना अपने लिया है? हाँ तो सबसे पहले अपन कर लेते हैं उस पर क्या है डिस्प्ले। अब देखो हमें क्या करना है वो समझो आप लोग। एक डिस्प्ले की प्रॉपर्टी होती है, और करो उस पर चलो ना वेबसाइट पे, उनकी वेबसाइट पे आओ। देखो आपको दिख रहा है ये एक रो में तीन बॉक्स दिख रहे हैं, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे ग्रेड का, है ना? डिस्प्ले ग्रेड है ना, तो उसकी वजह से हम क्या करेंगे, रो डिवाइड कर पाएंगे, कॉलम डिवाइड कर पाएंगे। देखना कितने आसानी से हम ये एक रो में ले लेंगे, कॉलम ले लेंगे डिस्प्ले की मदद से, ग्रेड की मदद से। तो चलो आओ कोड में आओ, देखना सर नई चीज ये सीखोगे आप। जो है लोकेशन के हिसाब से दिखाई दे रहे हैं, तो मतलब अगर लोकेशन चेंज करेंगे तो हमारी में भी दिखाई देंगे वो, मतलब अलग अलग लोकेशन के हिसाब से। अरे हाँ वो तो डायनेमिक है ना उनकी वेबसाइट, तो अपनी तो स्टैटिक बन रही ना, ओके अपनी क्यों चेंज होगी बता भाई? अपनी वेबसाइट स्टैटिक है डायनेमिक है बता स्टैटिक बताओ, होता है सर, स्टैटिक है सर इसकी। अपनी तो स्टैटिक है ना। चलो अब यहाँ पे लिखो डिस्प्ले ग्रेड,
हाँ अब थोड़ा भाई चलो वेबसाइट पे थोड़ा स्पेक्ट एलिमेंट कहीं पे काम करेंगे जिससे एक एक पॉइंट समझ में आएगा। स्पेक्ट एलिमेंट कर लो चल अपनी अपनी वेबसाइट पे रिफ्रेश कर लो, पर रिफ्रेश तो कर लो कि क्या हुआ इतने सभी। देखो अभी कुछ फर्क पड़ा नहीं पड़ा ना, तो चलो इसी पे आ जाना सेक्शन फोर पे आ जाओ। सेक्शन फोर पे क्लिक कर लेना यहाँ पे क्लास पे। हाँ अब सब देखना एक एक करके ठीक है, सी एस एस वाले खिसका देना। हाँ अब देखो सब लोग, हाँ अब देखो सब लोग इसको सी एस एस देखो सब लोग दिख रहा होगा ना, है ना। देखो अभी इससे क्या हुआ, कंट्रोल प्रेस कर देना थोड़ा सी पे इसमें नीचे नीचे कंट्रोल प्रेस कर देना क्लिक करके ना। हाँ बस थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बड़ा कर दो बस। अब देखो देखो वो दिख रहा है ग्रेड, ग्रेड ऑफ माउस लेके जाना बगल में उसके आ रहे हैं ग्रेड लिखा ना उसके बगल में, इस पर क्लिक करो क्लिक करो। देखो ये होते हैं दिख रहे हैं अलाइन कंटेंट जस्टिफाई कंटेंट, है ना अलाइन आइटम जस्टिफाई आइटम, है ना ग्रेड के अंदर यूज करेंगे पर अभी। चलो आ जाओ अब ग्रेड के अंदर लिखो, अब लिखो यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, कंटेंट सेंटर सेंटर में आ गए ठीक है। अब लिखो यहाँ पे ग्रेड कॉलम, या पहले ऐसे कर लो ग्रेड रो गैप ग्रेड, या फिर एक काम करो ग्रेड, हाँ रो करो पहले रो गैप करना, हाँ करो करो। और इसमें लिखना भी ग्रेड रो, ग्रेड रो गैप में कर देना 30 पिक्सल करना 30 पिक्सल ठीक है। देखो अब नीचे आओ वो थोड़ा स्क्रॉल कर देना, स्क्रॉल स्क्रॉल कर दो। देखो माउस लेके जाओ, देखो माउस लेके जाओ, इन सब की 30-30 का हो गया ना। अब इनको इनको पहले एक अलाइन में कर लेते हैं, कॉलम वाइज कर लेते हैं ना। तो इसके नीचे लिखना, देखो इसके नीचे क्या नाम है लिखते हैं अपन, ग्रेट टेम्पलेट कॉलम लिखना। सर पहले जो अलग अलग यूज करते थे जो जस्टिफाई सेंटर वगैरह ये मतलब ग्रेट के अंदर टेम्पलेट कॉलम आ रहा हो, हाँ कॉलम आ रहे हैं डिफरेंस है क्या उससे। अब यहाँ पे करते हैं अपन लिखो 340 340 340 पिक्सल 340 पिक्सल फिर 340 पिक्सल फिर 340 पिक्सल। देखो सब लोग हो गए दिख रहा है सबको। अब इनमें इनके बीच में जो स्पेसिंग दिख रही है ना आपको वो बंद करना, ग्रेड रो गैप को, ग्रेड रो गैप दिख रहा है इसको कमेंट बंद कर लो, देखो बंद कर लो। देखो दिख रहा है सबको जो मैं लगाया था ना ग्रेड रो गैप उस पर क्लिक करो, देखो उससे क्या हो रहा था। अब माउस से जाना माउस दिखाओ तो ले जाएगा उसमें, हाँ नहीं माउस ले जाएगा ग्रेड रो गैप, नहीं नहीं वहीं पर वहीं पे ग्रेड रैप थोड़ा, हाँ हाँ ऐसे देखो देखो दिख रहा है आप लोगों को। और थोड़ा कम करना 30 से तुम्हें थोड़ा दिखेगा ग्रेड रो गैप में क्या हो रहा है, दिख रहा है देखो सब लोगों को क्या हो रहा है उनके बीच में स्पेसिंग जो आ रही है कॉलम के बीच में कम हो गई है ना, 30 कर दो। और इससे क्या हुआ ग्रेड टेम्पलेट कॉलम से क्या हुआ दिखाओ उनको, देखो कॉलम वाइज डिवाइड हो गए। देखो अब 340 पिक्सल क्या कर रहे हैं उनको दिखाओ पहले, 340 पिक्सल पहला वाला क्या, पहला वाला 340 पिक्सल क्या कर रहा होगा, पहले वाले से बढ़ाना ज्यादा तो दिख रहा है सबको, वहां जा रहे हैं दोनों साइड से बढ़ रहे हैं और फिर दूसरा वाला बढ़ा के दिखाओ उनको। और वैसे तो आप लोग खुद देख सकते हो दूसरा 340 पिक्सल देखो दिख रहा है ना। चलो आ जाओ है दो कितना तो सर, जे जस्टिफाई कंटेंट अगर अलग से लगा दें ग्रेड के अंदर ना लगाएं तो क्या डिफरेंस। अब करते हैं ग्रेड कॉलम, अब थोड़ा कॉलम में गैप कर लेते हैं, ग्रेड कॉलम गैप लिखो, ग्रेड कॉलम गैप, ग्रेड कॉलम गैप 20 पिक्सल कर लो देखेंगे कितना अंतर आता है। हाँ ठीक है अब दिखा दो गैप, ग्रेड कॉलम गैप से क्या हुआ दिख रहा है आप लोगों को सेम सेम हो गया गैप। अब एक काम करो अब ग्रेड टेम्पलेट रो ऑटो कर दो इसकी, ग्रेड टेम्पलेट रो लिखो, ग्रेड टेम्पलेट रो रोस आ रहा है रोस इसको ऑटो कर दो है ना, इससे अपने आप सेट होता रहेगा ये, बस इसको कॉपी कर वहां पेस्ट कर लो। देखा कितने आसानी से बन गया, देखा सब लोगों को डिस्प्ले ग्रेड का यूज करके। अच्छा चलो एक काम करो डिस्प्ले ग्रेड बंद कर देने को, एक बार को डिस्प्ले ग्रेड बंद करके दिखाना उनको, डिस्प्ले ग्रेड बंद कर दो, डिस्प्ले ग्रेड अकेला देखो बिना उसके काम नहीं चलेगा कि भी ठीक है। चलो कर दो कॉपी करके पेस्ट सर, ग्रेड टेम्पलेट रोज वाला लास्ट वाला एक दोबारा बता दो सर, समझ आ गया ग्रेड रो गैप क्या होते हैं अच्छे से।
चलो आ जाओ नीचे आओ, आप लिखो बॉक्स टू है ना, बॉक्स टू के अंदर आ जाओ सर। सर अजय गुप्ता कुछ कह रहा है। चलो अब मैं खुद दे रहा हूँ, ठीक है, मैं चैट में दे रहा हूँ, वो लगाते जाओ आप लोग, टाइम बचेगा है ना सर। मैं आपको चैट में दे रहा हूँ, आप वो लगाते जाओगे खुद समझ आपको आता जाएगा, आप थोड़ा इतना सीख सकते। हेलो सर आवाज नहीं आ रही क्या? मैं दे रहा हूँ ना सीएसएस सर, की आवाज नहीं आ रही भाई। और सर की आवाज आ रही, कोई दिक्कत ना आ जी, बैठो चुप। दीदी सीएसएस मैंने कहाँ तक आया जी? अरे भाई कुछ पूछना था यार। भाई तुमको क्या प्रॉब्लम है, उसको कुछ पूछना है तो जब सर अपना माइक खोल देंगे ना, म्यूट वाला जब पूछ लेना। बॉक्स टू बॉक्स चैट में, विजुअल चैट में देखो, और दे रहा हूँ दो आया, और एक लास्ट ले लो भाई, चैट में भी चैट में तीन ले लो, लो टाइप कर लो भाई, तीन क्लास लगा लेना, कॉपी कर लो, गूगल चैट में दे रखी है सब लोग, गूगल चैट से कॉपी कर लो, चैट में दिया है मैंने ऊपर से ऊपर से ऊपर से, यहीं से कॉपी कर लो बॉक्स नीचे, हाँ और पेस्ट कर लो वहां पर, यहां तक कॉपी करके वहां पेस्ट कर लो, ये अपना हटा दो, ये भी और पेस्ट करो, और बॉक्स टू में स्पेसिंग कहाँ हटा देना, वो हटा दो, फिर देखो सीएसएस पे आ जाओ, सीएसएस पे। अब देखो यहां पे क्या हुआ, पहले हमने बॉक्स टू पे क्या किया, बॉर्डर वन फिक्सर सॉलिड कर दिया, फिर बॉक्स नहीं तुम लोग की, अरे एक मिनट हेलो आवाज आ रही मेरी? हाँ आ रही सर, हाँ जी सर, और आपको मेरी आज क्या कह रहे थे आप? हाँ बोलो क्या कह रहे थे सर, वो ग्रेड हाँ। अब देखो यहाँ पे बॉक्स शेडो क्लियर होगा, बेड थाइड ओवरफ्लो क्यों लगाया, बॉर्डर रेडियस पता है जी, पता है कर्सर पॉइंट क्या करता है, कर्सर पॉइंट शांत हो, कर्सर पॉइंट सब लोग माउस जब ले जाएंगे इसके पास, पता है सब, पता है ठीक है, दिखा देना, पता है ना सबको, माउस ले जाने पे वो शान आता है, दिखा देना ले जाके वेबसाइट पे, देखो दिख रहा है उंगली वाला वो थमाता है, वो कर्सर पॉइंट से आता है, ठीक है। चलो कोड में आओ, कोड में सीएसएस दिखाओ है ना, फिर हमने क्या किया, बॉक्स डिप के अंदर ओवरफ्लो हिडन कर दिया, डिस्प्ले फ्लैग जस्टिफाई वही सेम है ना, समझ तो आ गया होगा। अच्छा जो बताया व्हाइट स्पेस क्यों लगाया, व्हाइट स्पेस जानते हो, व्हाइट स्पेस दिखा ना थोड़ी उभरी उभरी सी दिखाई दे, चलो अजय हटा देना व्हाइट स्पेस, देखो क्या अंतर आता है व्हाइट स्पेस हटाने से, अब जाके चेक करो, रिफ्रेश किया कुछ अंतर दिखा, अब लगा के देखो, चालू कर देना, सेव करो, कुछ अंतर दिखा आप लोगों को, आप लोग अपने में क्या देख लेना, आपको दिख जाएगा अंतर, अपने में चला के देख लो अंतर दिख जाएगा, व्हाइट स्पेस से अपने में क्या देख लो, थोड़ा अंतर दिख जाएगा आप लोग व्हाइट स्पेस लगाने से, और नियंत्र देखे तो उसको हटा देना, अंतर तो दिख रहा होगा, चेक करना, अभी तुम्हारे में कंटेंट छोटा है ना, स्क्रीन दिख रहा होगा तुम्हें, अभी कंटेंट छोटा है, ठीक है, अभी कंटेंट बड़ा होगा ना तो तुम्हें अंतर दिख जाएगा, व्हाइट स्पेस क्यों लगाते हैं, कौन समझ आ रहा है आप लोगों को? नहीं समझ आया व्हाइट स्पेस, चलो आप एक काम को डिप, एक डिप पे आओ, एक डिप पे आओ, एक डिप पे दिखा देता हूँ क्या अंतर अंतर आता है, एक डिप पे आओ, एक कोड में आओ, पहले वाली में आ जाओ जी, लिखा ना वेज फैमिली जो ऊपर वहां, इसी को दोबारा पेस्ट कर लेना, उसी वहीं वहीं पेस्ट कर दो, बगल में पेस्ट कर दो, एक और पेस्ट कर दो,
बस सेव करके चेक करो ना वेबसाइट पे। देखो सब लोग दिख रहा है, अब व्हाइट स्पेस को थोड़ा बंद कर देना, व्हाइट स्पेस जो कोड लगा है उसको थोड़ा बंद कर दो, बंद कर दो नो रेप वाला, चेक करो कुछ अंतर आया। एक बार और कंटेंट डाल दो, एक बार कंटेंट और डाल दो उसमें, हाँ एक बार डाल दो। अब सेव करो, बस 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 इतना काफी है, अब सेव करके चेक करो। हाँ देखो नीचे सबको दिख रहा है कंटेंट नीचे, अब वाइट स्पेस लगाना, सेव करो चेक करो थोड़ा नेक्स्ट, दिख गया अंतर, दिख रहा है ना अंतर? हाँ सर दिख रहा है। कहाँ चला गया? यस सर रूम में चला गया, रूम में नीचे रहने में रहा, उसमें नीचे लेके नहीं आएगा वो। हाँ अब इसके नीचे आ जा रही थी, ये बन गया सबका, आप लोगों को बन गया, ये बन गया आप लोगों का सर जी, ये पूरा सेक्शन बंद कर लो ऊपर से चल के। हाँ ये सेक्शन थ्री था ना, ये ऊपर से कहाँ से था स्टार्ट, कहाँ से हुआ था ऊपर टॉप से? हाँ पूरी बंद कर लो ऊपर से चल के, यहाँ से सेक्शन मिडिल से, हाँ मेन से, हाँ ठीक है ये पार्ट बन गया। अब चलते कौन से पार्ट पर, हमें काम करना है, वेबसाइट पे आओ जाके देखो उनकी जोमेटो पे, हाँ इस वाले पार्ट पे काम करना है, गेट द जोमेटो ऐप, ठीक है अब ये पार्ट बनाना है हमें, चलो इस पार्ट पे काम करते हैं हम, ठीक है तो इस पार्ट को ले लो एक सेक्शन के अंदर, सेक्शन फाइव कर लो उसको, बनाओ एक क्लास सेक्शन, बनाओ सेक्शन इसी के नीचे देखो सेक्शन, नीचे आ जाओ हाँ, और देखो सेक्शन थोड़ा स्पेस दे दिया करो दोनों के बीच में थोड़ा ना 169 से, हाँ सेक्शन के अंदर क्लास सेक्शन फाइव, सेक्शन के अंदर क्लास सेक्शन फाइव, ठीक है ना, जैसे इसके फाइव के अंदर अपन काम करेंगे। अब उसके अंदर एक डिब ले लो, फॉर्म का पूरा काम करेंगे ना फॉर्म के लिए, एक डिब ले लो, डिब के अंदर क्लास ले लो ना, और क्लास बना दो फ्लैश और एक क्लास बना दो कंटेंट, दो क्लास यूज करेंगे इसके अंदर, फ्लैश एक स्पेस देखें, एक स्पेस दो फ्लैश एफ एल फ्लैक्स होता ना एफ एल ई एक्स वो लिख दो, फ्लैक्स एफ एल ई एक्स और स्पेस देखें कंटेंट सी ओ एन टी ए सी टी, बस है ना, अब जो कमेंट भी कर लो। अब इसके अंदर चलते हैं हम, पहला काम क्या करना होगा इमेज का, तो इमेज का मैं आपको दे देता हूँ ये, ठीक है ये लो इमेज दे देता हूँ चैट में, इमेज का यूआरएल जल्दी पल्ली पेस्ट कर लो फटाफट, इमेज है ना इमेज जी, ले लो इमेज, इमेज कॉपी कर लो फटाफट इसे, और फिर इसके अंदर जो राइट साइड में फॉर्म दिया है ना फॉर्म, उस पर काम करेंगे अपन, आप पेस्ट कर लो यहाँ पे, ठीक है ये पेस्ट कर लिया अपन ने, ठीक है अब नीचे लिखो एक कमेंट करो, नीचे एक कमेंट लगाओ इमेज के नीचे से, इमेज के नीचे से कमेंट लगाओ, लिखो फॉर्म, फॉर्म डिटेल्स, फॉर्म बनाया ना वो साइड में उसके, फॉर्म डिटेल्स, फॉर्म डिटेल्स, हाँ अब इसमें फॉर्म पे काम करेंगे, दो ही चीज तो है उस पार्ट में, सबको पता है ना एक इमेज है और एक फॉर्म है, तो अब फॉर्म पे काम करेंगे। अब डिप के अंदर एक क्लास बनाओ एड्रेस नाम की, हमें उसमें एड्रेस डालना होता है ना, डिप के अंदर क्लास बनाओ एड्रेस नाम की एड्रेस, अब उसके अंदर एक एस टू ले लो, उसके अंदर एक एस टू, एस टू वहां से कौन एक पी ले लो नीचे उसके, एस टू के नीचे से साथ साथ सब लिखते जाओ, एक पी ले लो, अब देखो वहां पे एस टू में क्या दिख रहा है तुम्हें और पी में क्या दिख रहा है तुम्हें, चलो वेबसाइट पर उनकी, हाँ देखो ये एस टू में दिख रहा है ना गेट द जोमेटो ऐप ले लो, और पी में ले लो वी विल पूरा ले लो, है ना कॉपी कर लो पहले ऊपर, हाँ पहले पी वाला कोई सा भी कॉपी कर लो, दोनों पेस्ट करने में, तो इसको पी में पेस्ट कर लेना और एस टू को उसमें पेस्ट कर लो, गेट द जोमेटो ऐप वाले के अंदर, गेट द जोमेटो ऐप, ठीक है ए कैपिटल में, जी जेड कैपिटल में,
ए कैपिटल जेड कैपिटल, ठीक है। अब इसके नीचे एक डिब्बा बना दो जिस पर अपन उस पर काम करेंगे, फॉर्म के बटन पर डिब बनाओ इसके पी के नीचे से ही। फॉर्म वाले पार्ट में भी तो काम करना है, उसके नीचे फॉर्म बनाएंगे। डिब के अंदर एक क्लास बना दो फ्लैक्स रेडियो, एफ एल रेडियो। चलो अब दो फॉर्म बनाने हैं, दो फील्ड रखनी है हमें, तो नीचे आ जाओ इसी के अंदर। जी मैं दो फील्ड में तुम्हें चैट दे रहा हूँ, ठीक है जी। दो फील्ड जितनी इसकी फील्ड है ना फॉर्म की और इमेज है, इतना पार्ट में तुम्हें चैट दे रहा हूँ जिससे समझ में आपको जल्दी आ जाएगा, इससे डिजाइन बन जाएगी। एक ये फॉर्म का हो गया जी, ओके दो फॉर्म की फील्ड में दे रहा हूँ, ठीक है, जिनको हमने डिप के अंदर रखा है। फॉर्म पढ़ चुके हैं आप लोग? यस सर। हाँ फॉर्म पता ही, इनपुट रीड बटन भी आपको पता होगा। पेस्ट कर लेना कमेंट से इसके अंदर डिब के अंदर, डिब के अंदर पेस्ट कर लो। हाँ तो सब देखो यहाँ पे, वो एक डिब के अंदर अपने इनपुट ले लिया, इनपुट में है ना एक लेवल कर लिया, लेवल में लिख दिया अपने ईमेल, ठीक है ना, और दूसरे ले लिया है रेडियो, ठीक है, इसमें फिल कर रखा है। अब सेव करके चेक करना क्या दिख रहा है थोड़ा इतने से पहले। हाँ नीचे आओ, इमेज आ गई और नीचे आओ। अब देखो आपको दिख रहा है ईमेल बाय डिफॉल्ट चेक्ड है, मैंने क्या कर रखा है वहां पे चेक्ड कर रखा है उसको, ईमेल है ना ईमेल, उसको मैंने क्या कर रखा है चेक्ड, ठीक है। तो ईमेल बाय डिफॉल्ट रेडियो चेक्ड दिख रहा है आपको, और उनकी वेबसाइट चलना है ना, देखो आप इनके में दिख रहा है, देखो ईमेल देखो बाय डिफॉल्ट चेक्ड आपको दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो वो हमने किससे किया चेक्ड लगा के किया है, ठीक है। अब ये तो बन गया, ठीक है। अब हमें इसके नीचे क्या बनाना होगा जानते हो, ये ईमेल इनपुट वाला बॉक्स, बगल में जो बटन सबमिट वाला, फिर इसके नीचे ये दो इमेज हैं, ठीक है। अब ये वाला पार्ट बनाना है, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो अब इस पार्ट को भी हम क्या करेंगे, डिप के अंदर बंद कर लेते हैं, ठीक है। तो वो भी आपको, अब देखो नीचे आ जाओ, चलो इसी के डिप के बाहर आ जाओ, थोड़ा कमेंट लगा लो, जो फ्लैक्स रेडियो एंड जहां पर हो उस पर पहले कमेंट करो, जो फ्लैक्स रेडियो जहां एंड हो रहा नीचे वाले पे, नीचे वाला होगा, नीचे वाला डिप, इसके नीचे वाला डिप होगा, हाँ इस पर पहले कमेंट लगाओ, जिससे इससे कन्फ्यूजन नहीं होगी कौन सा डिप बंद हो रहा है, और उसके नीचे कौन सा था उस पर कमेंट करो, ये कौन सा वाला है ये एड्रेस वाला, इस पर एड्रेस का कमेंट करो, कन्फ्यूजन नहीं होती ना कौन सा डिब कमेंट हो रहा है, और लास्ट वाला कौन सा है फ्लैश कंटेंट, उस पर कमेंट कर लो। लास्ट वाला कौन सा है फ्लैश कंटेंट वाला, इसको कमेंट, कमेंट से चीजें थोड़ी क्लियर रहती है कहां में काम करना है, ठीक है। अब हमें काम करना है इमेज वाले पे, तो अपन क्या करते हैं जो इनपुट बना रहे हैं ना उसको एक डिब में रख लेंगे और इमेजों को अपन एक डिब में रख लेंगे, ठीक है, समझ आ रहा नहीं आ सबको, तो ये मैं दे रहा हूँ चैट में, ये ले लो आप लोग यहाँ से। और कहाँ पेस्ट करना है, इसका ये बंद हो गया, इसका ये बंद हो गया, हाँ इसको आपको पेस्ट करना है फ्लैक्स रेडियो के नीचे से, ठीक है, फ्लैक्स रेडियो के नीचे से एक इमेज गई, रखो पूरा इमेज दे दूँ, दूसरी इमेज रह गई है, दूसरी इमेज ले लो चैट से, ले लो लगा लो यहाँ से ऊपर से डिप से डिप ईमेल से ऊपर से यहाँ से आएगा ना पूरा नीचे तक पेस्ट, हाँ एक इनपुट के लिए है, एक दो इमेज है उसके लिए डिप बनाए, एक यहाँ से करना, यहाँ फ्लैक्स रेडियो नीचे से, फ्लैक्स रेडियो के नीचे से यहीं से पेस्ट करना है बस। अब सब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, थोड़ा सीख लेना इमेज वाले पार्ट को, फ्लैक्स रेडियो के नीचे से हमने क्या किया सब एक बार देख लो यहाँ पे, थोड़ा समझ में आ जाएगा इतना कर चुके अब तो। फ्लैक्स रेडियो के नीचे से हमने डिब बनाया, डिब के अंदर हमने एक इनपुट बॉक्स लिया है, दिख रहा है ना, इनपुट क्लास में इनपुट, ठीक है, और टाइप में रखा है टेक्स्ट, और फिर नीचे ले रखा है प्लेस होल्डर, इसमें लिखा हुआ है मैंने एक ले रखा है लेवल, इसमें लिखा है ईमेल, और ये लगा रखा है बटन मैंने शेयर ऐप नाम से, ठीक है,
और एक नीचे कर रखा पी के अंदर डाउनलोड में डाउनलोड ऐप, और फिर ये डिव के अंदर दो इमेज है, ठीक है ना। अब सेव करके चेक करो, इतना तो कोड आप लोग समझ जाते हो अब तो, कि अभी भी नहीं समझ पाते। अब जाके चेक करो कितना दिख रहा है, देखो ये दिख रहा है, देख लो आप लोग सबका ऐसा आ रहा है, सब लोग चेक करें अपना। तो इतने में कोई डाउट? बोलो उनका उनका खुद की वेबसाइट उनके देखो, उनकी खुद की वेबसाइट देखो, ये देखो है ना। अब बस हमें क्या करना है, अब CSS लगानी है, थोड़ा सेटिंग में सेटल करनी है इसकी, है ना। तो इतने में दिक्कत किसी को? हाँ ना, तो बोल दो ना जी। नो सर, नो सर। चलो तो चलो थोड़ा CSS पे काम करते हैं, चलो के कोड दिखा दो उनको, इतना मतलब ये माइक बंद कर दो, तो कोड दिखा दो एक बार इनको जो हमने अभी पेस्ट किया था। बस ठीक है, ठीक है, देख लिया। अब थोड़ा CSS पे आ जाओ, तो स्टार्टिंग हमें अब कहां से करनी है, कहां से स्टार्ट करना है। चलो अब हमने, चलो क्या नाम दिया था अपने क्लास का, सेक्शन 5। सर एक सेकंड, HTML दिखाना, एक सेकंड सर। हाँ HTML दिखा दो, देख लो आराम, देख लो आराम, देख लो। ओके सर, स्क्रीनशॉट ले लिया, बाद में कर लूंगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, जब तुम्हारा मन हो सब कर रहा आराम से। इतना मुझे पता है कि व्हाट्सएप पे डाल देगा ना चैट को। हाँ अभी व्हाट्सएप पे डाल देगा ग्रुप। मुझे इतना पता है कि आप Zomato आपने बना ली और प्रैक्टिस कर ली और ट्रिम मशीन की बना ली और प्रैक्टिस कर ली, तो आपके बहुत सारे कंसेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएंगे, अपने आप क्लियर हो जाएंगे अपने आप, है ना। और फिर जब आप लोग अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पर अपलोड करोगे ट्रिम मशीन Zomato क्लोन, अलग ही मजा आएगा, ठीक है। ट्रिम मशीन Zomato सब लोग अपने आप अपलोड करना वहां पे। चलो अब आओ सेक्शन फाइव में चलते हैं क्लास से, नीचे आ जाओ। अब क्या करना होगा, वही सबसे पहले तो वही काम करना पड़ेगा, डिस्प्ले फ्लैग्स, ठीक है। सेक्शन 5 अब मैं इतना जल्दी इसी करा रहा हूँ कि आप समझ रहे हो चीजों को, क्योंकि आपको इतना आता है। हाँ लिखो डिस्प्ले फ्लैग्स, हाँ मार्जिन 90 पिक्सल 0। अब मुझे गैपिंग करनी है ना, 90 पिक्सल समझते हो, कहाँ से चल रहा होगा बताओ, और 0 देना, स्पेस 0 दे दो। जी लाइन समझ आ गई, लेफ्ट राइट से ऊपर नीचे, यस सर। चलो तो 90 पिक्सल कहां से काम कर रहा है, ऊपर नीचे के लेफ्ट राइट सर? तो ऊपर नीचे दिखाऊंगा, दिखाओ टॉप टू बॉटम सर, दिखा दे, वो दिखा दो सबको, जा दिखा देना सेव करके वेबसाइट में अपनी वाली पे। ऊपर ऊपर चलो, ऊपर चलो, ऊपर ऊपर दिखा दो, रिफ्रेश मत करना, देखो भैया रिफ्रेश करो, रिफ्रेश कर दिया था, हाँ रिफ्रेश कर दी ना, नीचे रिफ्रेश किया था। चलो आओ, अब इसके बाद पैडिंग लगा लो 40 पिक्सल 0। चलो बताओ पैडिंग 40 पिक्सल कहाँ से काम कर रही होगी, 0। चलो सेव करके चाहो वेबसाइट पे स्पेक्ट एलिमेंट कर लो, एलिजा वेबसाइट पे जाओ और रिफ्रेश करके स्पेक्ट एलिमेंट करो और देखो दोनों जगह कहाँ से काम कर रही हैं सेक्शन 4 और 5। पहले मार्जिन देखो, इमेज थोड़ा नीचे कर लो, इमेज ऊपर से दिखेगी ना सही तरीके से। ये दोनों बंद कर दो प्रॉपर्टी, पहले पैडिंग बंद करो और मार्जिन बंद करो और थोड़ा ऊपर ऊपर खिसका दो। अब सब देखो ये है इमेज रियल में, ठीक है। तो पहले ना मार्जिन चालू किया, चलो अब 90 बढ़ाना, मास लेकर 90 मिनट दिख रहे हो, बढ़ाओ उसको, दिख रहा है ना आप लोगों को, ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, दिख रहा है साफ साफ। अब पैडिंग चलाओ, कोई कर दो 90 था इतना, अब पैडिंग चलाओ, अब देखो पैडिंग क्या कर रहा है, देखो माउस ले जाकर इनको, ठीक है, थोड़ा पैडिंग सब खिसका लिया। चलो आ जाओ कोड में, इससे थोड़ी पैडिंग बची है, कवर रहे इसमें। अब लगाओ जस्टिफाई स्पेक्ट एलिमेंट पे, स्पेक्ट एलिमेंट पे आ जाओ। चलो लिख लो, यहीं लिख लो, समझ में तो आ ही जाएगा इनको। अब लिखो, यहीं लिख लो, यहीं लिख लो, जस्टिफाई कंटेंट
सेंटर। सबसे इंपॉर्टेंट बता प्रॉपर्टी कौन सी है इसके अंदर, डिस्प्ले फ्लेक्स है ना, बैकग्राउंड कलर यस है ना, बैकग्राउंड कलर आरजीबी बैकग्राउंड कलर आरजीबी मतलब 255 248 248। अब चेक करो क्या अंतर आया इसको लगाने से। देखो कलर आ गया, दिख रहा है सबको, पीछे वो कलर जो उनके में था वेबसाइट में जोमेटो वाली क्या है ना। चलो और जब सेंटर कर रखा है सेंटर मांगी चीजें, चलो कोड दिखाओ उनको इतना कोड। इतना लिख लिया आप लोगों ने इतना कर लिया। यस सर। चलो अब नीचे आओ इसके, तो इतना तो पार्ट क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब थोड़ा नीचे आओ, अब लगाते हैं थोड़ा जो हमने क्लास बनाई थी ना पे फ्लैक्स, हमने एक बिग बॉक्स कौन सा था उस पे जाना ना, एस्टीमेल दिखाना ना, एस्टीमेल थोड़ा कौन सा था वो, हाँ ये ना डिप के अंदर क्लास फ्लैश और कंटेंट, हमने यहाँ पे दो क्लास बनाई हैं, बनाई हैं दो क्लास हैं। अब इन दो क्लास पे थोड़ा मैं काम करता हूँ, देखो क्या करना है आ जाओ ना, एक पे लिखो डॉट फ्लैश, कुछ नहीं करना है वो डिस्प्ले फ्लैक्स लगाना है, लिखो डॉट फ्लैश, लिखो डिस्प्ले फ्लैक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स, और एक क्लास बनाओ, एक क्लास होती है ना कंटेंट कंटेंट वाली डॉट कंटेंट, मतलब अब यहाँ पे देखो दोनों क्लास एक साथ चल रही हैं, कंटेंट इसमें लिख दो विड्थ 760 पिक्सल और ओवरफ्लो हिडन हिडन। अब जाके चेक करो क्या हुआ इससे, रिफ्रेश करो और स्पेक्ट करो, देखो दिख रहा है स्पेक्ट कर लो, स्पेक्ट कर लो थोड़ा, देखो बगल में आ जाएगा थोड़ा समझ में आ जाए। हाँ तो पहले उस पर क्लिक कर, देखो फ्लैश, पहले फ्लैश वाले पे क्लिक, देखो फ्लैश में लिखा था मैंने डिस्प्ले फ्लैश, इसको इसको बंद करो फ्लैश वाले को, तो इसको बंद करने से क्या हुआ, एक के नीचे एक आ गया, लिख दो डिस्प्ले फ्लैश पे क्लिक कर दो है ना। अब दूसरी क्लास में मैंने क्या लिखा, विड्थ 760 पिक्सल, इसको बंद करो, देखो दिख रहा है उस साइड आ रहा है थोड़ा, हम उस साइड ले जा रहे हैं इसको, विड्थ चालू करो ठीक है, ओवरफ्लो बंद कर देना, देखो दिख रहा है। अब दोनों क्लासों को बंद कर लो, दोनों क्लास बंद कर दो, दोनों का बंद करो। अब नीचे लिखो, अब नीचे लिखो फ्लैक्स वाली में, नहीं नहीं फ्लैक्स के नीचे लिखो, डिस्प्ले फ्लैक्स के नीचे लिखो, ही लिखो क्या नाम है बिर्थ, बिर्थ उसी लिखो, बिर्थ कितना था 700, कितना था ऊपर देखो कितना था 756 है ना, हाँ और नीचे आ जाओ ओवरफ्लो में, एंटर देके फिर लिखो ओवरफ्लो हिडन। बताओ कुछ अंतर दिखा उसमें, उसमें दोनों में ऊपर क्या चलो, ऊपर क्या चलो, ऊपर क्या, अब ये दोनों बंद कर देना नीचे वाले, नीचे वाले दोनों कर देना, ये बंद कर दो, ये बंद कर दो और ये चालू कर लो। कुछ अंतर दिखा क्या, नहीं दिखा ना, अरे हाँ ना तो बोलो करो, शांत से क्यों जानते हो, अंतर है ना सर, अंतर है, बताओ क्या अंतर है बताओ सर, वो जो डिप बनाई है ना सर, इसकी डिप 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 की सर विड्थ कम हो रही है सर,
चलो अभी अभी मैंने इसमें लगा रखा है, इसमें लगा रखा है मैं, ठीक है कंटेंट वाले में। अब कंटेंट वाले दो सब लोग कंटेंट में गोल करना, अब बंद कर दो इसको, बंद कर दो। अब नीचे वाले में चालू कर दो, बता चलो क्या डिफरेंस है। सर डिफ्लेक्स के अंदर ही है ना सर कंटेंट वाली क्लास, दोनों में सेम है ना सर, वो काम तो दोनों में ही कर रही है, सेम कर रहा है ना। तो कल लास्ट में किसी ने क्वेश्चन पूछा था ना कि हम दो क्लास लगा सकते हैं, पता किसी ने पूछा था ना सर, पता नहीं आपके सबको पता है ना दो क्लास यूज कर सकते हैं। हाँ सर, है ना, तो चाहे वैसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, ठीक है काम वही किया। चलो अब आप कोड में इतना समझ आ गया, बगल में आ गया उसके, अब और काम करते हैं थोड़ा इस पर। चलो आ जाओ कोड में, तो यहाँ लगी रहने दो, तुम्हारी नॉलेज के लिए रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, ये आपके नॉलेज के लिए कर दी है ना, इस सबको नॉलेज बनी रहेगी इसके अंदर, ठीक है। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, अब हमें काम किस पे करना होगा, कंटेंट के अंदर जो हमारी इमेज लगी थी, है ना, इमेज लिखो नीचे, लिखो डॉट कंटेंट, लिखो नीचे CSS में लिखो डॉट कंटेंट, फिर स्पेस देकर IMG करली बैकेस, विड्थ कर दो 250 pixels, विड्थ 250 pixels, 250, और हाइट कितनी है उसकी 450 कर लो, तो बाद में सेट कर लेना जैसे तुम्हें ठीक समझ आए, और पैडिंग राइट से कर दो 40 pixels, पैडिंग राइट से कर लो 40 pixels। अब देखो समझ में तो आपको आ गया होगा वैसे ही, कि क्या हुआ होगा, आओ जाकर चेक करो, अब चेक करो खुद ही समझ आ रहा हो क्या करिए हमने, देखो दिख रहा है छोटी करनी थी ना इमेज, हमने इमेज छोटी कर ली, अभी हम आगे चल के इसको भी छोटा कर लेंगे, इमेज तो हमारी सेट होगी ना, अब हम आगे चल के इनको भी सेट करेंगे, ये बॉक्सों को बड़ी करनी बड़ी कर लेना, वो देखो सब अपने हाथ में, जैसे तुम रखना हो छोटा बड़ा मकान वकान। चलो अब आओ नीचे, अब हम थोड़ा काम कर लेते हैं एड्रेस पे, आओ एड्रेस पे, इतना कर लिया ना, इतना कर लिया, अब लिखो डॉट एड्रेस, कर लिया केस, लिखो उसके अंदर विड्थ 470 pixels, 470 pixels, और मार्जिन टॉप से 20 pixels, मार्जिन टॉप से 20 pixels, और पैडिंग लेफ्ट से 10 pixels, पैडिंग लेफ्ट से 10 pixels। हाँ तो एड्रेस हमारे क्या था, HTML पे आना, HTML पे आ जाओ, एड्रेस दिखना नहीं, एड्रेस इस एड्रेस के अंदर हमारे क्या है, ये जोमेटो वाला पार्ट है, पी वाला पार्ट, सारा एड्रेस के अंदर तो है ही सारा कुछ, उस साइड राइट साइड वाला जो पार्ट था वो सब हमारा किसके अंदर है, एड्रेस के अंदर है। दिखाओ चल के इनको वेबसाइट पे, अब क्या अंतर आया उससे, हाँ रिफ्रेश करो, कर दिया, थोड़ा दिख रहा है स्पेसिंग, स्पेसिंग आ गई थोड़ी बहुत, है ना अभी तो स्टेप बाय स्टेप काम करना है पूरा पे। अब थोड़ा पी पे काम कर लेते हैं, है ना, आओ देखो पी पे थोड़ा काम कर लेते हैं, पी पे है ना, जल्दी आओ बच्चे आ रहे हैं तो कर लेते हैं, लिखो डॉट एड्रेस पी स्पेस दे के पी, कर ली बैकेस, लिखो इसके अंदर पैडिंग बॉटम, पैडिंग बॉटम 10 pixels, फॉन्ट साइज 15 pixels, और कलर, कलर RGB 92 91 91, हाँ दूसरा भी 91 ले लो, दूसरा भी 91 ले लो, अब चेक करो, ठीक है पी सही हो गया। अब ये ऊपर से देखो कितना हो गया काम, महाराज कितना हम कर चुके जोमेटो पे काम, आप लोग कितना काम हो चुका देखो ना एक बार,